जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेक्चर थिएटर में तैनात सफाई कर्मियों ने सरकार के नए नियम के कारण अपनी नौकरी जाने की आशंका को लेकर बैठक की, जिसकी अध्यक्षता श्रम विभाग खगड़िया के सफाई कर्मी संजय हरि अम्बेडकर ने की। इस दौरान संजय हरि ने कहा कि वे लोग वर्ष 2006 से ही अस्पताल में सफाई कर्मी का कार्य कर रहे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा बाहर की एजेंसियों को अस्पताल के शौचालय और बाथरूम समेत अन्य जगहों पर साफ सफाई का जिम्मा दे दिया गया है। सफाई कर्मियों ने कहा कि वे सभी जिस एजेंसी के अंतर्गत में काम कर रहे हैं उस कंपनी के अनुसार आने वाले दिनों में उनके बिल में 18 से 20 लाख रुपए की कटौती हो सकती है, जिस कारण करीब 150 सफाई कर्मियों को काम से निकाल दिया जाएगा। वहीं इससे परेशान सफाई कर्मियों ने मायागंज अस्पताल के अधीक्षक और एजेंसी पर उनकी परेशानियों को नहीं समझने की बात कही, जिसमें वे सभी अपनी नौकरी जाने की आशंका को लेकर काफी हतप्रभ हैं। बैठक में प्रकाश राम, शंकर, पंकज, राकेश रंजन अम्बेडकर समेत काफी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सुपरिटेंडेंट से बात हुई थी, उनके अनुसार वो अभी एक महीने का समय ले रहे हैं कि अभी एक महीना हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके कहने के अनुसार हम काम करते रहेंगे लेकिन काला बिल्ला लगा कर करेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन को रोकने नहीं जा रहे हैं। ये आंदोलन कंटिन्यू चलेगा और तब तक चलेगा जब तक कि सरकार हमारे बारे में बैठ के सोचना ना शुरू कर दे, क्योंकि वो ऐसा काम कर रही है जैसे दूध से मक्खियों को हटा के हटाते हैं, इसी तरह हमें दूध से मक्खी की तरह उठा के फेंकना चाह रही है। जो लोग 17-17 सालों से काम कर रही है और उसके बारे में ना सोच के आप किसी और एजेंसी को लेके आ रहे हो, और आप लेके आओ किसी को उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। तो सरकार को हम लोग एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, आज आपकी इस अंग देश से एक शुरुआत कर रहे हैं, और 3800 जिला में जितने भी सफाई कर्मचारी यूनियन है उनको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जो ठेका प्रथा है सबसे पहले उसके खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू हो, और जो अस्पताल में तत्काल हटाने से पहले हमें महीना दो तीन महीने का कम से कम नोटिस चाहिए। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर नगर सभापति के घर पर सफाई कर्मचारियों ने घेराव किया। वहीं कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को लेकर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू से श्रावणी मेला के दौरान किए गए कार्यों का वेतन ठेकेदारों के द्वारा भुगतान नहीं करने की बात कही। इसके बाद नगर सभापति ने सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार से दूरभाष पर बातचीत की और सभी सफाई कर्मियों को 10 अक्टूबर तक वेतन देने का निर्देश दिया। साथ ही नगर सभापति के आश्वासन और आग्रह पर सभी सफाई कर्मी अपने काम पर लौट गए। इधर सफाई कर्मियों द्वारा वेतन बढ़ोतरी के आग्रह पर नगर सभापति ने सभी सफाई कर्मियों से इसको लेकर लिखित आवेदन देने की बात कही। मौके पर काफी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद थे। देखिए, पूर्व से ही सफाई कर्मियों का कुछ न कुछ इश्यूज रहा है और एनजीओ के द्वारा जो है समय पर भुगतान नहीं किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है और उन लोगों की मांग थी कि 10 तारीख तक हम लोगों का भुगतान हो जाना चाहिए। मैंने उन लोगों को आश्वासन देके पुनः कार्य पे भेजने का समझा बुझाकर प्रयास किया और वो लोग गए भी, चूँकि देखिए सफाई कर्मी ही हमारी मजबूती है। सुल्तानगंज नगर परिषद की जो पहचान है वो हमारे सफाई कर्मी भाई है, तो उनका ख्याल रखना, उनके साथ कोई परेशानी नहीं होना, ये हम लोगों का कर्तव्य। भागलपुर के कहलगांव में पिछले दिनों गणेश मेला से वापस घर जा रहे टोटो चालक के साथ अपराधियों ने बीच रास्ते में मारपीट कर चालक से दो मोबाइल और उसके पास मौजूद सारे रुपए छीन लिए थे। वहीं इस मामले में पीड़ित चालक द्वारा रशलपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसके बाद विशेष टीम ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करते हुए घटना में संलिप्त पांचों अपराधियों को लूटे गए सामानों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो मोबाइल और नगद रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं इसको लेकर कहलगांव डीएसपी शिवानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी पांचों अभियुक्त रशलपुर थाना अंतर्गत भोलसर के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान भवेश कुमार, गुलशन कुमार, ईशांत कुमार, सिद्धू कुमार और अमित कुमार के रूप में हुई है। मेला से टोटो बुक कर ले जा रहे पांच अभियुक्तों के द्वारा बीच रास्ते में ही टोटो चालक से मारपीट कर उनका टोटो, दो मोबाइल और कुछ रुपया की लूट कर ली गई थी। इस संदर्भ में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। दोनों मोबाइल रिकवर हो चुके हैं, पैसे भी रिकवर हो चुके हैं, अन्य बातों पर अनुसंधान जारी है।
तिलकामांझी जी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित पीजी अंबेडकर हॉस्टल में वर्षा का पानी भर जाने के कारण कई दिनों से छात्र परेशान हैं। छात्रावास के कमरे, शौचालय और कॉमन रूम में भारी जलजमाव हो गया है, जिससे परेशान छात्रों ने विरोध जताया, जिसके बाद आनन फानन में नगर निगम की टीम हॉस्टल पहुंची, लेकिन अत्यधिक जलजमाव के कारण निगम कर्मियों द्वारा पानी नहीं निकाला जा सका, जबकि इसके बाद छात्रों ने हॉस्टल से पानी निकालने के लिए नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विश्वविद्यालय के पीजी अंबेडकर हॉस्टल में जलजमाव के कारण नाव की मदद से छात्रों ने अपना सामान हॉस्टल से बाहर निकाला और दूसरी जगह पर रहने के लिए प्रस्थान किया। हम लोग अपना पढ़ाई भी यहां पर कर रहे हैं, मतलब कि रहने में वहां बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो हम लोग मतलब मांग करना चाहते हैं DWO से, सबको बोलना चाहेंगे कि वो जो है सो हमारे लिए लॉज का व्यवस्था करवाए और जो है सो हम लोगों को लॉज में रखा जाए, क्योंकि यहाँ रहने लायक जगह नहीं है। एक छोटा सा रूम है, उसमें हम लोग रह करके क्या करेंगे, खाना। एक और जहां लगातार हो रही बारिश के कारण भागलपुर नगर निगम के विभिन्न इलाकों में हुए जलजमाव को लेकर शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निष्पम्बय पंचायत वार्ड संख्या 3 के सभी ग्रामीण विगत 10 वर्षों से सड़क और नाले के अभाव में जलजमाव की समस्या झेलने को विवश है। आलम यह है कि मनसर गांव से बाईपास तक करीब 1.5 किलोमीटर तक लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे लोग सड़क की बजाय नदी पार कर रहे हों। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के बीच में 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हैं, जिस कारण दर्जनों लोग बाइक और टेम्पू गिरकर जख्मी हो चुके हैं, जिससे उन लोगों को पिछले 10 वर्षों से नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर वार्ड सदस्य ने नाला और सड़क नहीं बनने के लिए पंचायत की मुखिया नीलू देवी को इसका जिम्मेदार बताया और कहा कि उन्हें जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड परिसर में वृद्धजन दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धजनों के अलावा विभिन्न वर्ग के लाभुकों एवं विद्यालय के बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान भागलपुर सदर अनुमंडल अंतर्गत 5 सरकारी विद्यालयों के बच्चों को चित्रकला, निबंधन लेखन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता में शामिल किया गया। कार्यक्रम में सहायक निर्देशक विकास कुमार ने विजेता समेत अन्य प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में वृद्धजनों का उत्साहवर्धन और सम्मान अंगवस्त्र देकर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रबंधक तनवीर आलम की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सहायक निर्देशक विकास कुमार एवं बुनियाद केंद्र भागलपुर नाथनगर के पुष्कर पुष्प के अलावा राजीव रंजन, धर्मेंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। 1 अक्टूबर 2023 को 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इस अवसर पर वृद्धजनों को यहाँ पे हमारे बुनियाद केंद्र में सम्मानित किया जाता है, उनसे हम लोग आशीर्वाद लेते हैं उनको, क्योंकि हमारे वृद्ध हैं, हमारे समाज के हम लोग उनसे ही परवरिश पा के बड़े हुए हैं। और चूँकि हमारी जो बुनियाद केंद्र है 3 तरह के लोगों के लिए काम करते हैं, वृद्ध, विधवा और सीनियर। तो वृद्ध जो भी हमारे 60 वर्ष से आयु वर्ग के जो भी वृद्ध हैं वो हमारे लाभुक होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष हम लोग इसको मनाते हैं, जिसमें उनको जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर बुला के सम्मानित करते हैं उनको। उसके बाद इस बार का जो हमारा थीम था, क्योंकि स्टेट से ही एक ये था कि बच्चों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करना, अलग अलग जैसे इस प्रखंड क्षेत्र के 5 विद्यालय। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 के यात्री शेड में अहले सुबह एक अज्ञात शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही RPF के ब्रिजभूषण सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक युवक की पहचान में जुट गए, जबकि रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सबको मेडिकल कॉलेज भेज दिया है, जिससे अज्ञात यात्री की मौत का कारण स्पष्ट हो सके। टाइम तो पता नहीं चला कि टाइम कितना बजे सुबह मेरा यहाँ के कैंटीन में स्टार्ट जो है कि जब देखा तो ये संभावना मैंने ये व्यक्त किया कि ये लगता है हमने दर्ज कर दिया। कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर था ये वेटिंग एरिया? वेटिंग में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है, नाथनगर। आगे कार्रवाई क्या है? आगे कार्रवाई बस डेड बॉडी को ले जा रहे हैं ये भागलपुर, वहाँ पर डॉक्टर के परीक्षण होगा, साबित तो डॉक्टर ही करेगा कि हाँ अभी ये जिंदा है या मर गया। हम लोग देख रहे हैं कि हाँ मर गया लग रहा पहचान है, लेकिन पहचान प्रमाणित तो करेगा डॉक्टर। नहीं पहचान है पाई है क्या पर? नहीं पहचान तो अभी कुछ नहीं हुआ, एक आदमी को वही तो भाई साहब बता रहे हैं कि ये हाँ कहाँ का लगता है, लेकिन वो संदेहात्मक है, अभी क्लियर नहीं हो पाया।